संघ की ओर से जिला योजन समिति की बैठक जो कि जीडीए सभागार में आयोजित की गई उसका बहिष्कार किया गया। पंचायत सदस्यों ने जमकर नारेबाजियां की और जिला पंचायत सदस्यों के अधिकारों में हो रही लगातार कटौती के संबंध में अपनी आवाजें बुलंद की। अपने इस विरोध के बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए संघ के संरक्षक रजनीश यादव ने कहा कि लगातार ये सरकार पंचायत के सदस्यों के अधिकारों में कटौती कर रही है। पंचायत के जो सदस्य जिला योजना के लिए निर्वाचित सदस्य होते हैं, बड़ी संख्या है हमारी इस सदन में जिला योजना के, हमारी उपेक्षा करते हुए, जनहित के जो सवाल हम उठाते हैं उनकी उपेक्षा करते हुए जनपद के प्रभारी मंत्री लगातार हमारी बातों को दरकिनार करते हैं, अलोकतांत्रिक रवैया अपनाते हैं। उनके अलोकतांत्रिक रवैये और जनहित की लगातार उपेक्षा किए जाने के विरोध में आज जिला पंचायत के सभी सदस्य जो जिला योजना समिति के सदस्य हैं उन्होंने जिला योजना समिति की बैठक का बहिष्कार किया है। बैठक के इसी क्रम में जिला योजन समिति की योजनाओं के बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि ये सभी योजनाएं समाज के हर वर्ग के लोगों को लाभान्वित करेंगी जिसका असर आने वाले समय में दिखाई भी देगा। जिला स्तरीय अधिकारी प्राइमरी स्कूलों में कब से पढ़ाना शुरू करेंगे? देखिए, आज जिला योजना में ये विषय चर्चा आई है, काम तो बहुत है, चुनाव भी आने वाले हैं, लेकिन अब निश्चित रूप से महीने में 15 दिन में जाने का काम अगले सत्र में शुरू कर देंगे। मंत्री जी, कुछ जिला पंचायत सदस्य थे, उनका कहना था कि क्षेत्र में उनको दो बार बैठक हो चुकी है, कोई योजनाएं नहीं मिली उनको, तो गांव में खड़ंजा लग रहा है, हैंडपाइप लग रहा है। देखिए, जिला पंचायत सदस्यों को जिला पंचायत में कहने का हक है, जिला पंचायत से उनका विकास होता है। जिला पंचायत में एक योजनाएँ हैं, जिला पंचायत के माध्यम से उन्हें विकास कराना चाहिए और यहाँ बैठते वो यदि विकास में उनकी रुचि होती तो यहाँ जिला योजना में अपनी बात रखते, तो जिला योजना में उनके विकास की योजनाओं को हम सम्मिलित कराने का काम करते। वो तो विकास में उनकी रुचि ही नहीं है, आते ही उन्होंने तो अपनी बात कहना प्रारंभ कर दी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जब कृषि से संबंधित चर्चा होती, कृषि इस देश की अर्थव्यवस्था है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, देश की तरक्की तब होगी जब ग्रामीण भारत की तरक्की होगी और ग्रामीण भारत की तरक्की तब होगी जब गांव की तरक्की होगी और गांव की तरक्की तब होगी जब खेती की, किसान की, खलिहान की तरक्की होगी। यदि वो विकास से जुड़े हुए लोग होते तो कृषि के मुद्दे पर बैठकर चर्चा करते और उसमें सुझाव देते।